हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कुक विद केजीआर में। आज मैं बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी बनाऊंगी फ्रेंड्स, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, यमी लगता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, तो बच्चों बड़े सबको पसंद आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी मैदा ले लिया हुआ है। मैदा को मैंने छन्नी से अच्छे से छान लिया है। अब यहाँ पे मैं अजवाइन डालूंगी। अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालना है फ्रेंड्स। इस तरह से डालने से रेसिपी में अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे मैं नमक ऐड करूंगी। नमक अजवाइन को अच्छे से मैदे आटे में जो भी मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं या तो मैदे से भी बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डालूंगी। आप चाहे तो यहाँ घी का भी मैं डाल सकती हैं। हल्का सा यहाँ पे जगह कर लेंगे। अच्छे से मैम को मिलाना है इसको, रिफाइंड ऑयल को हाथों से इस तरह से मसल मसल के मिक्स करने से बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा सारा तेल। यहाँ में मैंने अच्छे से तेल को मिक्स कर लिया। ये देखिए इस तरह से मुट्ठी बांधने से ये अच्छे से बन जा रहा है। तो मैम हमारा परफेक्ट है एकदम। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका थोड़ा सख्त आटा गूंथेंगे, मतलब जैसे रोटी पराठे का गूंथते हैं ना, उस तरह से नहीं गूंथना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा लगाना है इसका थोड़ा। तो आटे गूंथ के मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको ढक करके 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ पे फ्रेंड मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। यहाँ मैंने पचफोरन लिया है, हरी मिर्च और थोड़ा सूखा मिर्च, इसको डाल देंगे। पचफोरन को थोड़ा सा कड़कने देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ लहसुन और मिर्च है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब मैं यहाँ पे उबले आलू डाल दूंगी। आप इस तरह से मैश करके डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। डाल के इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर आलू को भून लेंगे। चाट मसाला डालेंगे आधा चम्मच, बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा इससे। बस इसको मिक्स करते हुए थोड़ी देर भुनाई कर लेना है। तो यहाँ पे आलू को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गया है आटे को रेस्ट में रखे हुए। तो अच्छे से इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं। अब इसके पेड़े काट लेते हैं। यहाँ मैंने लोई बना लिया है, इसमें थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे। इसको बेल लेंगे। रोटी की तरह इसको बेल लेना है। अब एक छुरी की सहायता से इसमें कट का निशान लगा देंगे। इस तरह से निशान लगा देंगे। साइड में नहीं कट करना है, बीच में ही बस कट करना है इस तरह से। अब एक आलू को लेंगे, इसको बीच में यहाँ से मोड़ देंगे। यहाँ पे इस तरह से चिपका देंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी लेके इस तरह से किनारों में लगा देंगे। अब यहाँ से भी थोड़ा सा मोड़ देंगे इसको। इसके बाद इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। तो इस तरह से सभी को बना लेते हैं फ्रेंड्स। एक पेड़ा लेंगे, इस तरह से दबाकर सूखा आटा लगा के इसको बेल लेंगे। तो इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। चलिए इसे फ्राई करते हैं। तेल मैंने कढ़ाई में रख दिया था, गर्म हो गया है। एक एक करके मैं इसमें डाल दूंगी। गैस का फ्लेम थोड़ा धीम कर देंगे। इसको इसी तरह से अलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से देखिए फ्राई हो गया है। इसे मैं निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। काफ़ी क्रिस्पी बना रही है। आपकी बच्चियों को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स बन के तैयार होगा मैं बहुत ही चटपटा सा यमी सा नाश्ता। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इसे आप टमाटर की चटनी, केचप या फिर हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है खाने में फ्रेंड्स। अगर रेसिपी पसंद आएगा लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।